आकर्षित भी किया है। सिलिकॉन वैली के इस मैग्नेटिज्म का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि यहाँ के एक तिहाई से ज्यादा लोग विदेशी हैं। इमिग्रेंट्स जिस चीज को पार्टी में ले जाते हैं वो है सिलिकॉन वैली की डीएनए और हाइपरड्राइव। अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग जब इस विश्वास के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं कि वो मिलकर कुछ कर सकते हैं, तभी नए आइडियाज पैदा होते हैं। उनमें से एक थे फिजिसिस्ट नरेंद्र सिंह कपानी। उनके इनोवेशन से एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत होने वाली थी और वैली को मेडिकल टेक्नोलॉजी की ओर लेकर जाने वाली थी। 1960 में जब कपानी वैली में आए तब इंडिया के बहुत ज्यादा लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। जब मैं पहली बार यहाँ आया तब पूरे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में कुल मिलाकर सिर्फ दो ही इंडियन रेस्टोरेंट्स थे और दोनों सैन फ्रांसिस्को शहर में थे। आज हर गली में इंडियन खाना मिलता है। मैं उस पीढ़ी से आया था जो पीएचडी करने में यकीन नहीं रखती थी। पीएचडी करने से इंसान खोया खोया सा रहने वाला प्रोफेसर बन जाता है और मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना था और मेरा दूसरा चॉइस था बॉस्टन जाना, लेकिन मेरे दिल से आवाज आ रही थी सिलिकॉन वैली। इतनी बड़ी तादाद में दुनिया भर से इतने सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर्स पसंद है। मेरे ख्याल से वो चीज सबको नजर आने लगी थी जो आगे चलकर आज के सिलिकॉन वैली को बनाने वाली थी। कपानी यहाँ एक बिजनेस शुरू करने के लिए आए थे जिसमें उनके काम का प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जाने वाला था। वो इंडिया और इंग्लैंड में सालों से एक रिसर्च कर रहे थे कि लाइफ को कैसे कर्व पाथ पर ट्रैवल कराया जाए। मैंने इंडिया में कुछ करने की कोशिश की थी, मिरर्स और लेंसेस वगैरह से लाइट को कॉर्नर्स में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में जाने के बाद मैंने ग्लास के फाइबर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर आप एक ग्लास का रॉड लेते हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसके एक सिरे से लाइट छोड़ते हो तो रॉड मुड़ी होने के बावजूद लाइट दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। फाइबर ऑप्टिक्स नाम कपानी ने रखा। अपनी पत्नी के साथ सिलिकॉन वैली में आने से पहले ही वो इस तकनीक को डेवलप कर चुके थे जिससे डॉक्टर्स को इंसानों के शरीर के अंदर झांकने का एक नया तरीका मिला। बॉडी के अंदर देखने के लिए उनके पास टेलीस्कोपिक सिस्टम था जिसे बॉडी के अंदर डाल के देखते थे। लोगों का साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन होता था ताकि वो मुंह के जरिए गले से होते हुए पेट में डाल सके। पर फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप लचीला होता है। मैंने दरअसल इन डिवाइसेस को बनाया था ताकि इनमें काफी फाइबर हो और फाइबर साथ में जुड़े हुए, ताकि जब आप फाइबर का एक बंडल लें तो आप उस पर एक इमेज बना सके और पूरी इमेज नीचे ट्रांसमिट हो सके। इन्वेस्टर्स की तलाश में कपानी ने ह्यूलेट पैकर्ड के ब्रेक फाउंडर्स के साथ एक मुलाकात की। मेरी इच्छा ये थी कि क्यों ना हम एक कंपनी शुरू करें जिसमें फाइबर्स और लेजर्स और ऑप्टिकल थिन फिल्म्स और बाकी डिवाइसेस हो, और उन्होंने वो खरीद ली। ह्यूलेट पैकर्ड और वैली के बाकी इन्वेस्टर्स ने कपानी की कंपनी को अधिकार दिया कि वो लाइट के साथ नई खोज करते रहे। मुझे लगता है हर 3-4 महीने में हम एक नई इन्वेंशन करते थे। डिटैच रेटिनास को ठीक करने के लेजर्स के शुरुआती सर्जिकल इस्तेमाल में भी कपानी आगे रहे। जब रेटिना अलग हो जाए तो उसे वापस खुद से बांधना आसान नहीं होता, सिवाय लेजर के जिसे आप नीचे फोकस करते हैं और उससे आपको गाढ़ापन मिलता है और वो ये कर पाता है। तो हमने पहले ये जानवरों पर करके देखा और उसके बाद इंसानी आंखों पर, और फिर बॉब होप का भी डिटैच्ड रेटिना था तो हमने उन पर भी किया, और उसके बाद हमने उस कंपनी को पब्लिक बनाया 1967 में $12 शेयर की कीमत रख के, और 6 महीने में एक शेयर की कीमत हो गई $60। कपानी वैली के पहले इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी कंपनी पब्लिक बनाई और कईयों को राह दिखाई। आज वैली के आधे से ज्यादा इंजीनियर्स दूसरे देशों से आए हुए हैं। ऐसा कुछ कर पाना जो कि बिल्कुल नया या फिर हाईटेक हो और जो आप बाकी कहीं ना कर पाए, ये एक बड़ी बात है और इसीलिए वो यहाँ आते हैं। विदेशों से जो लोग सिलिकॉन वैली आए उनमें शुमार है अलेक्जेंडर पोनियाटोफ रशिया से, एम्पेक्स के फाउंडर, एंड्रयू ग्रोव हंगरी से इंटेक के सीईओ, ताइवान के जेरी यांग को फाउंडर याहू,
आंड्रियास बैक्टरशाइन जर्मनी से और इंडिया के विनोद खोसला को फाउंडर्स सन माइक्रोसिस्टम्स, साउथ अफ्रीका के इलॉन मस्क टेस्ला के फाउंडर और रशिया के एक नौजवान सर्गे ब्रिन। सर्गे की माँ मायूस थी कि उनके बेटे ने पीएचडी पूरी नहीं की। मैंने कहा कोई नहीं, बाकी सब तो अच्छा रहा। स्कूल जाने की